Atul Subhash's cousin, the man who actually committed suicide on 9th of December in Bengaluru, he has spoken, the cousin has spoken on the tragic incident. He has said that the family was aware that Atul was being tortured, allegedly tortured by his in-laws, but they were unaware that Subhash would take such a drastic step. Atul ended up writing a 24-page suicide note before taking his life. Listen into what the cousin said. आरोप पता तो था ही कि उसको तंग किया जा रहा है उसके ससुराल की तरफ से। अच्छा, पीड़ित है ससुराल से, लेकिन ये नहीं पता था कि वो इतना पीड़ित है कि वो ऐसा कुछ कर लेगा। आप लोगों से बातचीत हुई थी? जिस दिन वो एक्सपायर किया है उस दिन 10 बजे रात में अपने मम्मी और पापा से बात किया, अपने भाई से बात किया। अच्छा, इनके पिताजी पे केस था तो आप लोगों को जानकारी था केस के बारे में? फैमिली केस था तो केस लोग लड़ते हैं तो उसकी जानकारी क्यों रखेगा, लोग सब अपने अपने काम में अपने अपने लोग लगे हुए हैं, अपना केस वो देख रहे हैं। ऐसा केस तो मर्डर केस तो था नहीं, लोग उसकी जानकारी रखता। फैमिली में वो केस की हुई थी दहेज प्रताड़ना का, तो उतना कर रहे थे, पता तो था ही केस की। ओके, आई एम गोइंग टू कम बैक टू माय कॉलीग Shakti Parmar. Shakti, you know, one of the cousins of the deceased has now spoken. He's once again said, उन्होंने कहा है कि हमें जानकारी थी कि अतुल के इन-लॉज उन्हें allegedly torture कर रहे थे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि अतुल इतना drastic step ले लेंगे। और उनके फैमिली मेंबर्स, उनके जो नियर एंड डियर वंस हैं, उनके जो जान पहचान के लोग हैं, उनका क्या कहना है इस इतने बड़े सिनारियो जो हो चुका है? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो है उनके एक चचेरे भाई से का बयान हमने दिखाया है, लेकिन उनके आसपास के लोगों से हमने बात की, उनका ये कहना कि अतुल को लेकर जिस तरह से खबरें आई वो बिल्कुल सॉफ्ट हैं, क्योंकि अतुल जो है कई सालों से बेंगलोर में जो है वो जॉब कर रहे थे, और इसके बारे में उनके अगल आसपास के लोगों को हल्की जानकारी जरूर थी कि उनके ससुराल पक्ष उनकी पत्नी से खास करके जो है उनका जो है कई मामलों जो है वो केस चल रहा है इसको लेकर, लेकिन जिस तरह से घटना घटी है इसका अंदाज़ा जो है उन्हें उनके आसपास के लोगों को नहीं था कि वो अतुल को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए 1 घंटा 20 मिनट का वीडियो उन्होंने और 24 पेज का जो सुसाइड नोट उन्होंने जारी किया, जिस तरह के गंभीर आरोप जो है उन्होंने अपने ससुराल पत्नी और सास और साले पे लगाया है, ये पूरे को लेकर जो है उनके आसपास के लोगों का कहना है कि इस तरह की घटना हो रही थी उनके साथ, इसका अंदेशा उन्हें नहीं था। अब जब जिस तरह से खबरें आई है मीडिया के द्वारा तो आसपास के जो लोग हैं वो काफ़ी से अचंभित हैं, उन्हें शॉक है कि इस तरह से अतुल को प्रताड़ित किया जा रहा था। और आपको बताएं कि अतुल को जो है उनके जो बेटे है उससे भी अतुल ने कहा वीडियो में कि उनकी उससे भी उनकी पत्नी मिलने नहीं देने दी रही थी, और 2 सालों से जो है बैंगलोर से जौनपुर वापस लेके आ गई थी, और साथ ही साथ उसके अतुल के जो का जो बच्चा है बेटा है उससे जो है उन्हें बात कर फोन पे बात करने दिए के लिए देती थी, और तमाम तरह के गंभीर आरोप जो है अतुल ने लगाए हैं। ये अतुल ने न सिर्फ अपनी पत्नी पे आरोप लगाए हैं बल्कि अपनी सास पे भी उन्होंने आरोप लगाया कि सास को भी उन्होंने तकरीबन 20 लाख रुपए दिए थे अब तक, जिसके को अब तक नहीं लौटाया गया है, और साथ ही साथ अतुल ने ये भी कहा कि उनके बच्चे बेटे को लाल जो उनके के लिए जो है 40,000 रुपये महीने जो है उनकी पत्नी मेंटेनेंस के नाम पर लेती थी, और जिसकी डिमांड अब जो है बढ़ के 2 से 3 लाख जो है वो डिमांड किया जा रहा था। तो कई तरह के आरोप जो हैं अतुल के द्वारा अपने पत्नी और ससुराल पक्ष पे लगाए मरने से पहले। जी जी, वी आर ऑल्सो गेटिंग टू नो